हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी शॉप आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करने वाला हूँ उन लोगों का, जिन लोगों ने जितने भी सपोर्ट करा है मेरे को। दिल से शुक्रिया भाई, दिल से शुक्रिया जितने भी सपोर्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में जो है हम चैलेंज करने वाले हैं, डीजे आदम का चैलेंज करेंगे विदाउट एनी किल। जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, हम एक भी किल नहीं करेंगे और बूया करेंगे। लेकिन मैं इसे डुओ ले रखा है ताकि अगर मेरे को कभी हो कि मेरे को भाई गोली मार दे बंदा, कभी हो जाए तो बचाने के लिए, रिवाइव देने के लिए आ जाए बंदा, तो मैं तो एक भी किल नहीं करूँगा। ठीक है, तो हम मेरे साथ जो मेरा दोस्त है वो पार्टनरशिप दे रहा है, जैसे मानिया की बहू। अब सही में बस समझ लेंगे ना, कई लोग समझ लेंगे भाई सही में मानिया की बहू खेल रहा है। नहीं भाई, ये जो ट्रोल चल रहा था उसकी वजह से इन्हें मेरे जो फ्रेंड ने नाम रखा है मानिया की बहू। ठीक है, अब ज़्यादा हंसी तो आ रही है लेकिन सही नाम है, बहुत मस्त वाला नाम है। अगर बंदे सुनेंगे तो समझेंगे हैकर ही आ गया, मानिया की बहू ही आ गया। ठीक है, तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं डीजे आदम लगा के खेल रहे हैं। तो उससे पहले अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं भाई बीमा शक्ति में, भाई पता है कि कितने लोगों को पी गया बीमा शक्ति, क्लॉक टावर में बंदे उतरते हैं तो वैसे ही दिखा रखा है अभी। अभी तो कोई बंदा दिखा नहीं हमें बीमा शक्ति में, लेकिन अभी हम लूट रहे हैं अच्छे से, मतलब मिल सकता है लूट वूट जितनी मिल सकती है उतनी अच्छी डीजे। वैसे तो हमें ग्लूगल चाहिए भाई, अगर किल नहीं करना, हम डैमेज देंगे भी बंदे को तो उतना देंगे कि बंदा भाई किसी हद तक एकदम कमज़ोर हो जाए, कि एक गोली करा जाए, दो गोली करा जाए, मैं उसके बाद किल नहीं करूँगा। जो मेरे दोस्त ने VSL दे रखी है उससे वो किल लेगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है भाई, बहुत चैलेंजेस। अगर आपको भी ऐसी कुछ चैलेंजेस का पार्ट बनना है तो गाइस आपको करना क्या पड़ेगा यार, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, तो रेड जो नोटिफिकेशन बेल दिख रहा हो उसको ऑल पे सेट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तो उसके बाद करना कि आपको जो मेरी आईडी मैंने UID दे रखी हो उसमें आपको क्या कहते हैं रिक्वेस्ट भेजनी है। रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं डायरेक्टली आपकी जो रिक्वेस्ट होगी इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। तो उसके बाद क्या कहते हैं आप डायरेक्टली मेरे उसमें जो है वीडियो के पार्ट में बन जाओगे या फिर किसी चैलेंज का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है गाइस, तो अगर गिल्ड में अभी ज्वाइन होने तो गिल्ड में से आपको पहले क्या कहते हैं कुछ चैलेंजेस होंगे उनको पूरा करना पड़ेगा, कस्टम अगर मैच जीतना पड़ेगा तब जाके आपको गिल्ड के जो मेंबर्स बन सकते हैं। तो अभी तक बंदे जैसे आप देख सकते हैं पूरे गेम में एक भी बंदा नहीं दिखा है, पता नहीं कहाँ है भाई। बीमा सकते हैं भाई, बंदे आते हैं लेकिन एक भी नहीं दिखा अब तक, नहीं कतुरस्ती वैसे आया ना पीक से आया बंदा। तो वैसे ज़्यादा तो पीक में बंदे उतरते रहे लेकिन हमें वहाँ पे लूट चाहिए, तो इसलिए अभी हम बीम में या क्लॉक टावर में नहीं उतरे। तो देखते हैं अभी बंदा मिलता है नहीं मिलता। वीडियो को फुल मजे लो भाई गाइस, एकदम ओपी वीडियो बनाइए और भूया अभी देखते हैं होता नहीं है, होता हमारा भाई माने की बहू जो है भाई इसका बहुत ट्रोल चला था, इसलिए भाई मैंने बंदे को बोला माने की बहू रख ले, क्या बंदा बंदा हैकर ही समझ लेंगे। बहुत ही ओपी खेलता माने की बहू, अगर इसके साथ भी आप खेलना चाहते तो मैं अगली जो वीडियो है ना उसको और भी ओपी बनने वाली है। अब मैं बताऊंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा ना उसमें बताऊंगा कि क्यों होने वाली ओपी। चलो मैं इसी वीडियो में बता दूँ यार, सस्पेंस रखने के बाद ज़्यादा आदत नहीं है ऐसी नहीं। तो ठीक है गाइस, जो अगली वीडियो में ना उसमें भाई मैं सेम टू सेम अज्जू भाई जैसी वॉइस दिखाऊंगा। एक प्लेयर है जो मेरे दोस्त है, सेम टू सेम अज्जू भाई वॉइस, मान सकते हो भाई, होती होगी लोग बहुत होते हैं। और मैं उसमें पूरी डिटेल्स बताऊँगा कि क्यों भाई इसके अज्जू भाई की तरह वॉइस सेम है। 99.9% है जो अज्जू भाई की वॉइस सेम है इसमें गाइस, पक्का आपको देख के वीडियो जरूर देखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा उस वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा फनी वीडियो होने वाली है वो। ठीक है, तो वीडियो का भी मज़े लो।
सो गाइस देख रहे हो ना, इतनी देर तक भाई सब बैठ रखे बंदे का इंतजार कर रहे, लेकिन अब जाके बंदा मिला है। हद होती भाई, डीजे आदम का इतना खौफ क्यों है? आ लोग से ज़्यादा खौफ तो डीजे आदम का भाई, बंदे एक भी नहीं आ रहा सामने नहीं। और आया तो भाई मैंने बंदा देखो कितने डैमेज दिए कि बंदा अगर किल ना पड़े। नहीं तो M40 से पता है भाई बहुत तो क्या हेडशॉट लग जाती है ईजिली, बहुत ही OP गन है। लेकिन रेट ऑफ फायर जब से कम करा ना भाई साहब, इसके हेड जाने थोड़े कम हो गए हैं। लेकिन जैसे देख सकते हैं बंदे, बस डैमेज उतना ही दूंगा जितना बाकी मेरे जो दोस्त है उसको किल मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं मानी की बहू ने मार दिया है। OP वाले खेलते हैं मानी की बहू के साथ। अगर आप खेलना चाहते हो तो मैं UID डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। और भाई एक बार उसको बोल देना कि मेरी तरफ से आया, मतलब अली BTR ऋषभ की तरफ से आया, तब जाके वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। ओके तो देख सकते हैं जैसे कि हमने उतने ही मारे बंदे को, दोनों बंदे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। इनका एक बंदा पता नहीं कहाँ भाग गया, शायद अभी तो मानी बहू को मैंने एक ही किल देखा, दूसरा बंदा शायद भाग गया कहीं, मैं तो इसी में मर गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ वो रहा ऊपर, उसका लूट वेट दिख रहा था, यानी मर गया वो बंदा। तो अभी देखना कि कितनी देर बाद हमें दूसरे बंदे दिखते हैं। इतना जोन भाई डीजे आदम का बहुत खौफ है, बहुत चर्चे में डीजे आदम, देख रहे हो ना, जैसे कि समझ रहे हो ना आप कितना खौफ है इसका। तो चलिए अब अगले जो बंदे को देखते हैं उसमें कितनी दूर जो है हमें बंदा मिलेगा। इतना इंतज़ार करने के बाद हमें जाके दो बंदे के मिल चुके हैं बस, और कोई बंदा नहीं मिला। नहीं तो अगर हम सिंपल अभी खेल रहे होते ना रैंक, तो भाई साहब पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो मैप की स्क्वाड है वो हमारे सामने आकर टपक गई है, कहीं छुपने का मौका भी नहीं देते, इतने हरामी हैं। तो गाइस देख रहे हो ना कितने बंदे यार नहीं मिल रहे अभी, कितने लाइव है देख रहे हो, 14 लाइव है तभी, लेकिन अब तक दो ही बंदों से हमारा जो है सामना हुआ है। अब जब लास्ट जोन में होगा ना तब जाके होगी तगड़ी फाइट। अभी हमें जहाँ पे ड्रैगनो मिल चुकी है, यानी कि हम इजीली एडवांटेज ले सकते हैं, हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। दो गोली मारेंगे तो बाकी मानिया के बहू काम कर देगी। वैसे अभी तक हमें बंदा नहीं दिखा, तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से जो बंदे भाई सर्वाइव कर सकते हैं भाई, OP अलग ही लेजेंड लेवल पर सर्वाइव करेंगे। वैसे अभी हमारे पास SMG एमओ है नहीं, देख रहे हो ना 227 ARM है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ड्रैगनो में इतनी एमओ की। SMG एमओ है नहीं जो कि होनी चाहिए। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जाके प्रीवियस वीडियो में चेक करके आना, वहाँ पे मैंने ट्रिक बता रखी है जो ऐसे परमानेंट जो है आपको गन स्किन मिल सकती है, आपका बहुत ज़्यादा लक होता है। अगर जो न्यूली बंदे ने आईडी जो डाल रखी होती है उसको तो बहुत ही ज़्यादा उसके चांसेस होते हैं कि उसको परमानेंट गन मिल जाएगी, तो उसकी ट्रिक से आप कर लेना। मैंने अपनी वीडियो जो चैनल में उसमें वीडियो डाल रखी है, जाके एक बार सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगी ईजिली से। तो अभी हमें एक बंदा दिख चुका है जो भाई पेड़ के पीछे बहुत अच्छा कवर लेके बैठा है, वो बंदा भाई बाहर निकल के नाम लिख रहा, उसे इतनी गोलियां मारी ड्रैगनों ने तब भी बंदा मरा नहीं। तो ये कमाल होता है हमारे डीजे का और ये हमारा आदम। तो देखते हैं भाई आदम जीतेगा या डीजे लोग जीतेगा, देखते हैं। तो मानी के बोले जैसे भाई कूद गया भाई, कितना मजा, नीचे मत जा भाई नीचे मत। अब देखो भाई तीन गोली मारी भाई साहब, तीन गोली मारी उन्हें, तब भी बंदा मरने को तैयार नहीं है। क्या है भाई, क्या लोचा है, तीन गोलियां मारी बंदा भाई मर नहीं रहा। ड्रैगनों से मरेगा तो किससे मरेगा भाई, तू मानी की बहू करेगा जो करेगा। बंदा देख रहे हो, देख रहे हो ना जैसे बंदे को, बंदा अभी देखना कैसे आएगा, ये रहा लेट के, वो हमें पागल समझ रहा है, उसको समझ रहा है कि किसी और बंदे ने हमें मार दिया है। देखो मानी बहू ने भाई बहुत OP वाला मार दिया यहाँ पे, और हमारा जो अभी तक 0 किल टिका हुआ है, अभी हम 0 किल से टिके हुए हैं। ओके तो हमें अभी किल नहीं लेना है और बुया करना है। तो भाई लोग देख रहे हो ना ड्रॉप मिल चुका है, हमें एक ड्रॉप मिल चुका है, उसमें पड़ी ग्रोजा, ग्रोजा की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरे को लग रहा है बंदे आसपास होंगे ही, जो ड्रॉप के सामने अगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बंदे। और जैसे मेरे को फटका पड़ा देखो ग्लू बॉल लगा ली भाई, आदम में अलग है। अगर 90 का डैमेज दिया भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। देखा तुमने भाई सब बंदा कहाँ छुपा हुआ है, क्यों लेजेंड लेवल है भाई, लेजेंड सर्वाइवर है भाई। दो गोली भाई, अब ग्लू वाला क्या लगाएगा यार, दो ग्लू वाला लगाने का क्या फ़ायदा है, अब एलिमिनेट ही होना है इसने। मेड की ढूंढ गई तो मच जाएगा, नहीं तो लगाएगा तो वैसे ही कूदने पर उसकी डेथ होनी है, एलिमिनेट हो गया रहेगा बंदा लगता है मुझे ख्याल से। भाई बंदे ने कहाँ जगह अलग ही लेवल, इतने टॉप पर कौन करता भाई, गन किसने दी उसे इतनी टॉप पर, मजाक चल रहा है क्या भाई, मजाक है क्या ये। तो वैसे अभी तो बंदे कितने बचे हैं हमारे पास भाई, 10 बंदे अभी अलाइव हैं, और हमारे बंदा को 0 किल के साथ भूया पे हम टिके हुए हैं। तो बंदा तो हेलमेट पक्का होकर ही रहेगा क्योंकि उसे अभी नीचे 4 to death हो ही गई होगी। तो और बंदे को देखते हैं, और बंदे कौन से जो बंदे हमें दिख सकते हैं।
तो देख रहे हो ना आप सब, मानी के भाव ने एक और किल कर दिया। लास्ट बंदा जो है बचा हुआ है हमारे साथ, वो बंदा पता नहीं कहाँ छुप रखा है, शायद मेरे को लग रहा है पेड़ के पीछे छुपा होगा। पेड़ के पीछे नहीं तो एक और कवर हो सकता है, वो जो ऊपर पत्थर दिख रहा है आपको स्टोन, वहाँ पे हो सकता है बंदा, या फिर पेड़ के पीछे। तो पेड़ के पीछे से तो जोन निकल चुका है, यानी वहाँ पे बंदा नहीं है, या फिर वो ऊपर वाले पत्थर पे है। ठीक है, इसी स्ट्रैटेजी के साथ आपको खेलना पड़ता है। तो बंदा ऊपर ही है, और अभी मैं चाहूँ तो किल कर सकता हूँ, लेकिन हमें किल नहीं करना है, मुझे बिजी रुकल के साथ बुया करना है। लेकिन लास्ट बंदा अगर उसने हमें डैमेज दिया तो भाई ज़रूर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसका बुया नहीं होना चाहिए, हमारा बुया होना है। तो बंदे को एक भी गोली नहीं लग रही, बंदा बहुत अच्छे कवर लेकर बैठा हुआ है स्टोन का, हल्का सा भी अपना जो बॉडी नहीं दिखा रहा है कि डैमेज लेने के लिए। अब बंदा जो है ग्लू लगा के अपने पास आ रहा है रश करने की, बोली उसकी जो है पूरी प्लानिंग गई रश करने की। ओ भाई MP5 कहाँ है, हीलिंग गन से मार रहा भाई। भाई हीलिंग गन से कौन मारेगा इतने कम जोन में, मतलब अपने बंदे को ट्रीट कर लो। अब बंदा देखना मेरे को कैसे बंदे को जो हेड शॉट मारने की पूरी ट्राई करेंगे। ओ भाई हेड शॉट, ओ भाई मजाक चल रहा है क्या भाई, कम से कम मर जाता है यार। पर कोई नहीं गाइस, हमने जो जीरो कल के साथ अपना जो बुए वाला टारगेट था वो पूरा कर लिया है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं अगले चैलेंज वाली वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।